जैसे ही फरीन नीचे गिरी, बस ड्राइवर ने बस उसके ऊपर चढ़ा दी और बस फरीन को घसीटते हुए 3 से 4 फीट लॉन्ग तक ले गई और बिलाखर बस का टायर फरीन के मुंह और सर पर चढ़ गया, जिसकी वजह से फरीन मौके पर ही फौत हो गई। नाजरीन, आपको आपके अपने चैनल CID क्राइम स्टोरीज पर वेलकम करता हूं। नाजरीन, आज की क्राइम न्यूज़ ज़िला मुल्तान की है। एक बहुत ही अफसोसकुन वाकया, फरीन नामी तालबा जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, अपने भाई जवाद के साथ घर से निकलती है यूनिवर्सिटी जाने के लिए और उसको ये नहीं मालूम होता कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो अपने घर से निकल कर सेवड़ा चौक जो कि मुल्तान का एक ही हिस्सा है वहाँ पर पहुँचती है, वुमेन यूनिवर्सिटी की ही बस जो कि स्टूडेंट्स उठाने के लिए उस इलाके में गई होती है, जिसको आमिर नामी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने होश में ना था और उसको क्रॉस करते हुए बस ने उसको टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के जो फरीन थी वो सड़क के दाएं जानब गिरी और जो जवाब था वो सड़क के बाएं जानब गिरा। दाएं जानब गिरने की वजह से जिस साइड से बस आ रही थी, चूँकि वो उसी साइड पर गिरी, तो बस उसको कुचलते हुए घसीटते हुए 3 से 4 फीट लॉन्ग के इस फासले पर ले गई और बिलाखिर बस जो है उसके ऊपर चढ़ दौड़ी, उसके मुँह और चेहरे के ऊपर जो बस का टायर है वो चढ़ गया, जिसकी वजह से फरीन की मौका पर ही डेथ हो गई। आमिर नामी ड्राइवर जो कि बस को ड्राइव कर रहा था, सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने होशो हवास में ना था। जैसे ये वकुआ सरसद होता है, आमिर नामी ड्राइवर और उसका जो हेल्पर होता है वो दोनों बस को छोड़कर फरार हो जाते हैं और 15 पर कॉल की जाती है, जिस पर मुतलका पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और घर वालों को इतला मिल जाती है। लड़की को फौरन तौर पर जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जवाद जो कि उसका भाई है उसको भी शदीद चोटें आई हैं, लेकिन वो जान से बच गया है, ये उसकी खुशकिस्मती है। घर वालों ने बड़े पन का मुजाहरा किया है, बस ड्राइवर को अल्लाह की रजा वास्ते माफ़ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम और ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि मेरा नहीं ख्याल था या मेरी अपनी एक सोच है, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए था बल्कि उसको कानून के कटहरे में लेके आना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ की बहतात है और ये बस ड्राइवर्स, मैंने अक्सर व बेशतर इनके वकुआ जात देखे हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट्स करते हैं, और इनकी सबसे बड़ी वजह ये इनकी लापरवाही और लागर्जी होती है। ये जिस तरह का ये वकुआ हुआ है, अब उसको माफ़ कर दिया गया है और उसको कोई सबक इस बात से हासिल नहीं हुआ होगा कि उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से एक बहुत ही कीमती जान चली गई। उसके दिल में ढेरों ख्वाहिशें होंगी कि बड़े होकर वो अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी, अपने वालदैन का सहारा बनेगी, लेकिन वो तमाम ख्वाहिशें अपने दिल में लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब सिवाय आहो बका के और पछतावे के कुछ बाकी नहीं बचा। लेकिन अगर उसके वालदैन ये स्टेप लेते कि बस के ड्राइवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, तो उस बस ड्राइवर को एक बहुत बड़ा सबक मिलता कि उसकी लापरवाही से, उसकी गफलत की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब उस सारे प्रोसेस को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, फरीन फातिमा को उठाया तो नहीं जा सकता, ज़िंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि आइंदा बहुत से बच्चों की जान इस तरह बच सकती है कि इस ड्राइवर के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी इंतजामियों को चाहिए कि इंक्वायरी कंडक्ट करे, अगर कसूरवार साबित होता है तो उसको जो है फिल फॉर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और उसे करारवा के सजा दी जाए, ताकि बच्चे जो सुबह सुबह धुंध में निकलते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं, वो इस चीज़ का निशाना बनने से बच जाएं। और वालदैन हजरात से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये छोटे उम्र के बच्चे जो मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं और धुंध के टाइम सुबह ये ड्राइव करते हैं, तो एक बात तो ये है कि छोटी उम्र के बच्चों को ड्राइव करने के लिए मत भेजें, देखें इस तरह के फिर नुकसान होते हैं और पुलिस इसीलिए आप लोगों को रोकती है और आप लोगों को पुलिस इसीलिए ख़राब भी लगती है और गंदी भी लगती है, और आप लोग शायद यही समझते हैं कि इनका कोई पर्सनल मैटर्स है जिनकी वजह से रोकते हैं, बल्कि महकमा पुलिस आपकी जान की हिफाजत के लिए खड़ी होती है और आपको इसी वजह से मना करते हैं कि आप लोग गाड़ी ड्राइव ना करें, आप लोग मोटरसाइकिल ड्राइव ना करें, ताकि इस तरह का कोई जानी नुकसान, कोई बड़ा नुकसान ना हो। लिहाजा नाजरीन, ख्याल करें अपने बच्चों को, सुबह जब घर से निकालते हैं स्कूल के लिए तो उनको समझा के, उनको बता कर भेजा करें कि धुंध है बेटा, ख्याल से जाएं, एहतियात से जाएं, अपनी भी हिफाजत करें और साथ सामने आने या जाने वाले की भी हिफाजत करें। नाज़रीन, आइंदा मिलेंगे एक नए वकूवे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उस टाइम तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।